नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ इशिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पराक्रम दिवस के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नाम 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कहा कि देश के वास्तविक जीवन के नायकों को उचित सम्मान देना हमेशा से सरकार की प्राथमिकता रही है। प्रधानमंत्री ने इस द्वीप का नाम 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा है। इनमें मेजर सोमनाथ शर्मा, सूबेदार ऑनरेरी कैप्टन करम सिंह, मेजर श्वेतान सिंह और अब्दुल हमीद, मेजर होशियार सिंह समेत कुल 21 परमवीर शामिल हैं। अगर हम इन वीरों की कहानी पर नजर डालें तो पाएंगे कि इनका इतिहास परमवीर चक्र से भरा पड़ा है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि सोमनाथ शर्मा ने 50 जवानों द्वारा 6 घंटे में अपने नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के बड़गाम में लश्कर के 700 कबायली आतंकियों को बंदी बनाया था। इस तरह मेजर श्वेतान सिंह भारत चीन युद्ध के दौरान केवल 123 सैनिकों के साथ चीनी सैनिकों से लड़े थे। आपको बता दें कि कुमाऊं रेजिमेंट में 13वीं बटालियन के 17,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ाई लड़ी थी और 1300 चीनी सैनिकों को पीछे की ओर भगाने पर मजबूर कर दिया था। आपको बता दें कि इन 21 परमवीर शूर वीरों का इतिहास बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी की कहानियों से भरा पड़ा है। आपको बता दें, ये ऐसे लोग होते हैं जो अपना घर बार छोड़कर हम लोगों की बॉर्डर पर सुरक्षा करते हैं। अपने घर बार से दूर रहकर ये लोग हमारे लिए अपनी जिंदगी त्याग देते हैं। बता दें कि इन 21 परम वीरों के नाम पर इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने द्वीप का नाम भी रखा है। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com।